हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सभी मोबाइल की सेल्स की जो जुलाई माह में आने वाली हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किस दिन किस मोबाइल की सेल स्टार्ट होगी और कितने टाइम पर होगी। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, एक एक मोबाइल के बारे में मैं डिटेल में भी बताऊँगा, जिससे कि आपको मोबाइल परचेज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और फ्रेंड्स, एक ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे आप विद इन 30 सेकेंड में मोबाइल बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट ऐप ओपन कर लें, और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट जो आपको पेज मिलेगा उस पर आपको मोबाइल सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर जो फर्स्ट पेज दिखेगा, यहाँ पर सारे मोबाइल्स की डिटेल रहती है, सभी कंपनी के मोबाइल्स की डिटेल रहती है। और फ्रेंड्स, जो भी सेल रहती है उस दिन वो फ्रंट में ऊपर दिखाई देता है, और जो लास्ट में आने वाली सेल्स रहती हैं वो बॉटम पर रहती हैं। आज के दिन की सेल की बात करें तो आज फर्स्ट सेल है रियलमी नार्जो 10A, जो कि फ्रेंड्स 12 बजे स्टार्ट होने वाली थी। उसका वीडियो मैंने बना चुका हूँ। अब मैं सेकेंड जो सेल स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप ओप्पो मोबाइल के शौकीन हैं, ओप्पो मोबाइल आप चलाना पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो फ्रेंड्स देखिए, आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वीवो Y30 जो है उसका डेजी ब्लू, जिसकी फ्रेंड्स इंटरनल है 128 GB। तो फ्रेंड्स, ये रोम काफ़ी ज़्यादा है, और फ्रेंड्स रैम भी दे रहा है वो 4 GB। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा मोबाइल है, कैमरा भी अच्छा है, 13 MP ट्रिपल कैमरा मोबाइल है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिपल कैमरा मोबाइल है, फिंगरप्रिंट भी है इसमें, और फ्रेंड्स फेस लॉक भी है, और फास्ट चार्जर है, टाइप सी का चार्जर है। बैटरी भी काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स 5000 mAh दे रहा है, और स्क्रीन भी अच्छी खासी डिस्प्ले है 6.47 इंच। और फ्रेंड्स बात करें, इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 15,000 रुपये है। और दोस्तों, इसकी सेल की बात करें तो इसकी सेल स्टार्ट होने वाली है आज रात 8 बजे से। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मोबाइल को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस मोबाइल को आज फ्लिपकार्ट ऐप से परचेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत से लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि जैसे ही हम परचेस करते हैं और जैसे टाइम होता है बाय नाउ पर हम क्लिक करते हैं, बाय नाउ का विद इन अ सेकेंड कन्वर्ट होकर आउट ऑफ स्टॉक आने लगता है। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उन रीज़न को वन बाय वन आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड्स, पहला रीज़न रहता है इंटरनेट कनेक्टिविटी। फ्रेंड्स, ऑनलाइन चीज़ परचेस करने में सबसे बड़ा इशू है इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो आप ऑनलाइन परचेस करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना कर सकते हैं, और आपका नंबर जब तक आएगा तब तक कोई भी उसको परचेस कर लेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऑनलाइन में जो लिमिटेड स्टॉक रहते हैं और काफ़ी लोग इनको परचेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी हाई स्पीड वाला रखना होगा, और आप सेल के कुछ समय पहले आ जाएँ, 2-5-10 मिनट पहले आप एप्लीकेशन ओपन कर लें, रेडी होकर रहें, और जो भी आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको एक बार फ्लाइट मोड पर कर लें और फ्लाइट मोड ऑन कर लें, जिससे कि सिग्नल स्ट्रांग हो जाए उसका। और देन आप जब प्लेस ऑर्डर करते हैं, बाय चांस जैसे आपने ऐड किया उसमें चार्ट में आपका प्रोडक्ट, और जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर करते हैं तो आपको जो पेमेंट है प्री ऑर्डर करना है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जैसे मोबाइल शॉप पर आ नहीं रहे हैं और मैन्युफैक्चर भी कम हो रहा है, तो लोग COD पर सिलेक्ट कर लेते हैं, कैश ऑन डिलीवरी पे। तो फ्रेंड्स, क्या हो रहा है कि जो विश लिस्ट में जो टॉप में रहते हैं वो प्री ऑर्डर वाले रहते हैं। जैसे कि अगर 100 लोग परचेस कर रहे हैं और उनके पास 90 प्रोडक्ट हैं, 90 लोगों को तो मिल जाएंगे, लेकिन जो 100 लोग के जो 10 लोग बचेंगे उसमें से जो प्री ऑर्डर कर देगा पहले, तो उसका नंबर पहले आ जाएगा, और जो COD रहेगा उसका नंबर लास्ट आएगा, और जब तक उसका नंबर आएगा प्रोडक्ट बिक चुका होगा। तो फ्रेंड्स, ये इसका थोड़ा सा रूल भी है, ये भी आपको समझना है, और एक प्रकार की ये ट्रिक भी है कि फ्रेंड्स आप कैसे इसमें परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गई Y30 की बात। अब बात करें हम अपकमिंग सेल्स की। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे फ्रेंड्स, आपको इसके लिए स्क्रॉल डाउन कर देना है, इसी पर आप नीचे चले जाइए और वहाँ पर आपको सारी सेल्स की डिटेल मिल जाएगी, आज जो सेल थी उसके बारे में भी और आने वाली दिनों के सेल्स के बारे में भी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 6 जुलाई की। 6 जुलाई में फ्रेंड्स इन्फिनिक्स हॉट 9 की मोबाइल की सेल होने वाली है, जिसमें दोस्तों 464 मोबाइल की सेल स्टार्ट होगी। और फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है, नया ब्रांड है, और इसमें कम पैसे में आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स और कैमरे प्रोवाइड कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मात्र 9000 रुपये में ही आपको 464 प्रोवाइड कर रहा है, और इसकी बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, ट्रिपल कैमरा है, और फ्रेंड्स फिंगरप्रिंट भी है इसमें, और फ्रंट का 8 MP कैमरा है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा बजट फ़ोन है, और इसकी भी मार्केट में काफ़ी डिमांड है। अगर आप ये परचेस करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर शो भी हो रहा है नेक्स्ट सेल ऑन 6 जुलाई।
दोस्तों अगर बात करें 7 जुलाई की, तो फ्रेंड्स 7 जुलाई में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसको भी जो फ़ोन चाहिए वो उस तारीख में ले सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स उस दिन काफ़ी सारे मोबाइल की सेल स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि सबसे सबका चहेता है रियलमी नार्जो 10। फ्रेंड्स उस दिन वो 12 बजे उसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों बात करें अगले फ़ोन की सेल्स की, तो वो है 8 जुलाई। फ्रेंड्स 8 जुलाई में इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो की सेल है। फ्रेंड्स इसके बारे में हम जान लें, सेल का टाइम सेम रहेगा 12 बजे। और फ्रेंड्स इस मोबाइल में भी काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। इसका कैमरा मैन इसका फीचर है कि इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, और बाकी इसकी जो रोम और रैम है लगभग 9 के जैसे ही समान है। और फ्रेंड्स बस इसमें कैमरे का बस अंतर है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, और थोड़ा सा प्रोसेसर में थोड़ा चेंज है। तो फ्रेंड्स ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है, इसकी जो सेल है वो 8 जुलाई में स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी इस मोबाइल को परचेस करना चाहता है वो बिफोर टाइम 5 मिनट बिफोर टाइम आ जाए और व्यू नाउ कर सकता है। तो फ्रेंड बात हो गई इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो की। दोस्तों बात करें अगली सेल की, तो वो है 9 जुलाई थर्सडे को 12 बजे। तो फ्रेंड्स वो है मोटोरोला G8 की। फ्रेंड्स काफ़ी डिमांडेबल फ़ोन बन गया है फ्रेंड्स ये अभी के समय का, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी डिमांड को देखते हुए कंपनी ने इसके रेट भी इंक्रीज़ कर दिए हैं। फ्रेंड्स इसके रेट जो पहले 9,000 रुपये थे, अब वो 9,500 रुपये कर दिए गए हैं। और फ्रेंड्स इसकी सेल 9 जुलाई में 12 बजे आएगी। और अगर आपको इस फ़ोन के फीचर्स के बारे में देखना है, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, और इसलिए इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है कि आपको 9,500 रुपये में 5,000 mAh बैटरी भी देगा, 3 कैमरे भी हैं इसमें, फिंगरप्रिंट है, और फ्रेंड्स बहुत कुछ इसमें फैसिलिटी है, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ रही है। और ये मेड इन इंडिया है, इसलिए भी इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा मोबाइल है, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो 9 जुलाई को 12 बजे के पहले आप फ्लिपकार्ट ऐप ओपन कर लें और इस पर नज़र लगाए रखें। तो फ्रेंड्स बुक करने की ट्रिक वही है कि आप जैसे ही व्यू नाउ पर क्लिक करें, आपको प्री ऑर्डर करना है। जैसे ही अगर आपका ऑर्डर बुक हो जाता है, तो आपको उसको प्लेस ऑर्डर पर प्री ऑर्डर करना है। तो फ्रेंड्स ये हो गई अपकमिंग सेल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स इतनी सेल्स जो अभी आपको 2 हफ्ते के अंदर देखने मिल सकती हैं जुलाई में। और फ्रेंड्स और काफ़ी सेल हैं, ये सारे बजट फ़ोन की बात हो गई। और अगर हम थोड़ा बजट से ऊपर जाके देखें, तो पोको M2 Pro जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और इसकी जो लॉन्चिंग है वो होने वाली है 7 जुलाई को 12 बजे। तो फ्रेंड्स जो भी अगर ये फ़ोन परचेस करना चाहता है, तो सब फ़ोनों से अच्छा, तो अभी तक हमने जितने भी फ़ोन देखे सबसे अच्छा पोको M2 Pro है। अगर आपका बजट थोड़ा हाई है, तो आप इस फ़ोन को परचेस करना चाहिए। तो आप इसमें हर कुछ है, एक बार आपने ये फ़ोन परचेस कर लिया तो आपको 2 से 3 साल तक इससे कोई शिकायत नहीं रहेगी, और आपको इसमें आप इससे बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि इसका जो एडवांस फीचर जो इसने दिया है वो काफ़ी अच्छा है। गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी है, कैमरा भी अच्छा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसकी बात है वो है इसमें 33 वाट का चार्जर। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाएगा। ये आपको मिलेगा देखने 7 जुलाई को 12 बजे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने अभी तक जाना अपकमिंग मोबाइल सेल्स के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो भी मोबाइल परचेस करना चाहता है ऑनलाइन, तो फ्रेंड्स वो इन्हें परचेस कर सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।